नमस्ते किसान भाइयों, मैं गणेश किसान फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर आज हूँ। जलगांव, जलगांव में पीलखेड़ा गांव है, यहाँ पर CK G9 प्लांटेशन हो रहा है कांदाबाग का। ये पूरा फील्ड जो है, ये पूरा 6000 पौधा यहाँ पे लग रहा है CK G9 का। थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको। और लगाने की प्रोसेस और विधि क्या है, तो लाइन से लाइन 5 फीट है और पौधे से पौधे की दूरी 5.5 फीट है। बेड पर केला लगाया हुआ है, यहाँ पे पहले सोयाबीन लगा हुआ था, अभी केला लगा दिया है। तो बनाना प्लांटेशन CK G9 किसान मित्र से मैं मिला देता हूँ, थोड़ा सा परिचय। सर, आप का नाम परिचय बता लीजिए, हम कहाँ पर है। राजेंद्र आनंदा चौधरी, फिलखेड़ा, तालुका येलो। ये प्लांटेशन आज का डेट क्या है? 26/10/2023। CK G9 प्लांटेशन आपके यहाँ पे लग रहा है लगभग। थोड़ा सा पौधे का मैं स्ट्रक्चर दिखा दूँ, तो पौधा भी यहाँ पर ये ब्रदर ला रहा है। ये पौधे के ट्रे और पौधा, रूट राइजोस्पियर अगर मैं दिखा दूँ, हर पौधे में रूट अपना अलग है। ये वाला थोड़ा सा दिखाकर लगाकर दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। पौधा लगाते समय एक्चुअल ये प्रोसीजर होनी चाहिए कि कीचड़ कर ही पौधा लगाना चाहिए, है ना। पूजा करता है का? नहीं। यहाँ पर जैसे ये पौधा लगाना है तो थोड़ा सा पानी, पहले पानी डालना है यहाँ पर। और पानी कीचड़ बनाकर अगर आप पौधा लगाते हो ना, तो फिर मजा आएगा। ये वाला, और ये तो आराम से निकल रहा है ना, ये रूट बॉल है ना। अगर इस पौधे को आपने चारों तरफ से कीचड़ में लगा दिया ना, तो यहाँ पे एयर परकुलेशन नहीं रहेगा, पूरा एयर खत्म हो जाएगा और ये पौधा जो है ये जर्मिनेशन अच्छे से कर लेगा। ये हो गया अभी, मतलब 100% जर्मिनेशन अगर करवाना है तो ये वाली रेसिपी एकदम बढ़िया है। अभी ये लग गया और दूसरा पौधा प्लांटेशन यहाँ पर। हर जगह पे जहाँ पे पौधा लगाना है वहाँ पर कीचड़ कर अगर लगा रहे हो, ये रूट बॉल, हर पौधे में रूट बॉल आता। रूट बॉल जे बोलले होते तुम्ही बघा, हा व्हाइट रूट आणि एक ब्राउन रूट, आणि ब्राउन नंतर तुमचा ब्लॅक रूट, हा तिघांमध्ये कन्वर्ट होतो। तर हा केस, हा जो रूट आहे ह्याच्यात व्हाईट आहे, याच्यानंतर काही रूट मी जे दाखवले तुम्हाला ते ब्राऊन आहेत, आता ब्राऊन नंतर ते ब्लॅकिस्ट होतील, मग परत त्यांना नवीन जो रूट येईल तो व्हाईट येईल केसासारखा। मग तो नवीन जेव्हा येईल तेव्हा त्याने नवीन पान घेऊन यायला पाहिजे, म्हणजे आज लागवड केल्यानंतर हा पोंगा ओपन झाल्यानंतर याला लगेच सुरळी हे 3 दिवसात दिसली पाहिजे। किती दिवसात? 3 दिवसात याचा सेंटर पोंगा जो आहे आतला हा बाहेर आला पाहिजे। हा गाऱ्यामध्ये असा लागवड जर केला तर याचा जर्मिनेशन रेशो जो आहे हा तुम्हाला चांगला मिळेल इथं गाऱ्यामध्ये थपथप थपथप। आता हे दोघं पण नालीमध्ये होते, है ना। प्रत्येक ठिकाणी सोयाबीनचा दाणा आहे, है ना। सोयाबीन गडबड करते। आता ही जी लाईन आहे ना, हिचा रिझल्ट तुम्हाला वेगळाच भेटेल, जर्मिनेशन रेशो वगैरे जो आहे तो वेगळाच भेटेल। याला थोडासा वेळ लागतो, है ना। म्हणजे याला काय आहे, याची जी एअर पर्क्युलेशन आहे ही सगळी जागा, आता हवेची जी पोकळी आहे ती सगळी नष्ट झाली इथली, म्हणजे झाड आता हा टाईट होईल, जस जसा गारा सुकेल ना तस तसा बोल पकडून घेईल। जास्त खोली पण नको लागायला पाहिजे, है ना। जेवढा हा बोल आहे खालचा तेवढा याला लागवड झाली पाहिजे। प्रत्येक बोल मध्ये तुमचा रूट बोल जो आहे हा डिझाईन झालेला आहे आणि हाच महत्त्वाचा असतो। आणखी रे राजराई रांग जोडली तर
आता हा जो आहे असा ओपन करून ठेवणं म्हणजे चुकीचं आहे. जास्त वेळ ओपन जर झाला तर रूट डिस्टर्ब होते. याच्याने होत काय, जर एखादी टायमाला दोन दिवस चार दिवस जर नाही ड्रिंकिंग झाली तर मग हा जो बोल आहे अपूर्ण या गाऱ्यामध्ये झालेला असतो. आता हे जे पाणी आहे या पाण्यामध्ये कीटकनाशक बुरशीनाशक आणि फंगिसाइड हे जर दिलं तुम्ही तर मग हा प्रोटेक्शन सुद्धा करतो. आता याला पाणी नाही जरी मिळालं तरी हा झाड पाहिजे तसं सक्षम ग्रोथ करेल. आता हा जो रूट आहे ना हा असा हॉरिझॉन्टल गेलेला आहे, हा डायरेक्ट खाली जमिनीमध्ये उतरून जाईल. आणि याला तुम्हाला गड्डा सुद्धा जास्त मोठा करायची आवश्यकता नाही, कारण रूट बॉल आणि बॉल जो आहे तो छोटा आहे, पाणी भी जास्त लागत नाही. आता ह्या झाडांची स्ट्रेंथ आणि बाकी जो तुमच्या लागवड झालेल्या झाडांची स्ट्रेंथ जर तुम्ही बघितली आता ड्रिपचं जर पाणी आता करतात काय या सपून पाणी टाकतात पूर्ण गॅपच निघून जातो त्यात. सर थोडा हिंदीतून घ्या ना, ये ऐसा लगाना है कीचड करके, है ना, तुम्ही जवळ या. याला लागवड करताना हा असा हा रूट बॉल याच्यामध्ये झाड असं झेपताय गाऱ्यामध्ये, पण काही वेळानंतर हे बिलकुल टाईट होऊन जाईल तुम्हाला. हे झाड जे आहेत ना हे हवेची पोकळी पूर्ण नष्ट होऊन जाते यातली. आता मागचे झाड बघा एकदम प्रफुल्लित वाटत असतील तुम्हाला, गदगद होत त्यांना. म्हणजे हे जर असं झालं ना तर झाला एअर पर्क्युलेशन. हिंदी आता मला कमेंट येतात ना की आप हिंदी में बात करो तो हमें समझ में आएगा, लेकिन हो रहा है कि मराठी में हो रहा है, यहाँ पर मराठी में ही बात करना पड़ेगा. तो मराठी वालों को भी समझ नहीं आ रहा, सोलापुर वाले बोलते हैं उधर मराठी में बोलत जा. हवेची पोकळी निर्माण होत नाही आणि गारा काय करता बोलला सुकला तो का मग चुकून जर का पाणी आलं मुळी कशी फुटते मला तिथं उभा आहे तिथं मुळा आता उभरणं तर ऊन रात्री थंडी वास आहे तर मुळी चांगली फुटणार आहे का नाही. मग मुळी जर उभ असली पाहिजे आता मग तुम्ही मुर्गी बसते का मुर्गी नाही हा गारा जर तुम्ही करून घेतला बोला लगेच तो ऍक्टिव्ह होऊन जातो. पण होत काय मधांचा अभाव मग त्याच्यामुळे आपण ह्या गोष्टी नाही करू शकत. तुमच्या लक्षात राहिले सगळ्या गोष्टी हा तुम्ही प्लीज बघू शकता त्याला. आता आमच्याकडे करतात काय रावेर मध्ये काय जिस दिन पौधा लगाएंगे उस दिन 5000 लीटर का टैंक लगे और कम से कम उनके पास 1000 मीटर की नली है ना गैस पाइप वगैरह जो नली आती है वैसी
यहाँ से पौधा लग गया कि फिर टैंकर रखेंगे हर लाइन में, हर जगह पे पानी डालते जाएंगे, तो एयर पोकड़ी जो बनी है वो पूरी खत्म हो जाएगी, ड्रिंचिंग भी हो जाएगी। लेकिन उसमें होता क्या है, वहाँ कीचड़ नहीं बनता है, वहाँ पानी लीच होता है, यहाँ कीचड़ बना रहे हैं। जैसे एक डब्बा पानी डाल देना और एक डब्बा पानी डालकर उसको गूथना, इसमें बहुत अंतर है। कई किसान मेरे समझ रहे होंगे कि डाल क्या रहे हो, लगा कैसे रहे हो, तो मैं बता देता हूँ कि कांदेबाग लागवड करते हुए किसान मेरे को इतनी सारी चीजें बताई, उन्होंने बेड पर एप्लीकेशन कर दी है। मतलब यहाँ पे जितनी चीजें, इनको चूना बोला गया था, सल्फर बोला गया था, नीला थोता बोला गया था, आपको टाइकोडमा ट्रीट करने के लिए बोला गया था, सुडोमा ट्रीट करने के लिए बोला गया था, ये सारी चीज हुई है। आज इस पानी में जैसे ये पानी जो हम लोग डाल रहे हैं, इसे डालना क्या चाहिए, तो कीटनाशक के लिए आप इसमें डेंटाशू ले सकते हो जो नीचे से व्हाइट ग्रब आता है, फंगीसाइड के लिए आप ट्राइकोडर्मा ले सकते हो, लेकिन ट्राइकोडर्मा कभी कभी होता क्या है, ये जैविक फंगीसाइड है तो इसके साथ में ले सकते हो, तंबाकू डस्ट के साथ में आप ट्राइकोडर्मा ले सकते हो, लेकिन डेंटाशू के साथ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इनको जेब बराबर, ये चीज लेकर इसका पानी का चल बनाकर आपको दे सकते हो। दूसरे दिन गोमूत्र की ड्रिंचिंग करते हो, या केलाग्रो किट है उसका ड्रिंचिंग कर सकते हो। इसका पूरा शेड्यूल और समरी आपको एक किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म मिलेगा यहाँ। अभी यहाँ पे ये एक समस्या आपको ये आएगी कि आप ये जो क्षेत्र है ये है सोयाबीन वाला, तो सोयाबीन बहुत नीचे से जर्मिनेशन करके आ रहा है, हो सकता है कि बहुत जगह पे ये फूटा हुआ है, हाँ, तो उसको आपको ध्यान पूर्वक और सही तरीके से इसको मैनेज करना है। अगर ये सोयाबीन और ये केले के पौधे का रूट अगर एक जगह पे हो गया ये, तो कहीं ना कहीं पौधे के न्यूट्रिशन पर ये असर करेगा। तो अभी ध्यान रखिए कि इसको अभी उखाड़ के फेंक दीजिए, क्योंकि इसका रूट से उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ये बीज से बाहर निकला हुआ है, तो ये तुरंत अभी निकल के चल जाएगा, तो केले के ऊपर उतना असर नहीं होगा। हर पौधे का रूट स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे ना, आपने जितने भी पौधे देखे होंगे, एक भी पौधे में रूट की समस्या और राइजोस्फीयर की जो समस्या आती है वो कहीं पे भी आपको दिखाई नहीं होगी। अब इसमें देखो, इसमें ब्राउन कलर की रूट है, ब्लैक नहीं है, अभी ये जो है यहाँ पे पानी भी नहीं रुकेगा, ये देखो यहाँ भी चालू है, को पकड़ लेगा, ज्यादा समय तक पानी नहीं डालना। ज्यादा गड भी नहीं रखना, वरना पानी की डेरी बनती है इधर, डेरी वो भी गड़बड़ करेगी, है ना, बस हो गया। आपके इतने जो प्लांट मैंने लगाया इसमें और बाकी प्लांट में आप खुद देखना कि इसमें क्या फर्क आएगा, टाइटनेस और सारी चीज़ अलग है। अभी यही पानी अगर आप इन पौधों को पिला देते हो इस कैन में, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन लोगों ने डाला हुआ है, अभी यही कीचड़ बनाकर लगाना और एक डब्बा पानी इस पौधे के पास डालना। पानी बह के निकल जाता है, कीचड़ में बहेगा नहीं, ये बगीचों में प्रत्येक झाड़ और कसलेन झालेला है, एयर पर्युलेशन ना, गरम हवा जाईल ना थंडी हवा जाईल, मग त्याच्याने रूट आहे उसपे हा टाइट चालतो, पूर्ण लाईन बघा, है ना, पुरुषा बेटा, परंतु टर्मिनेशन आणि पिक हा वेगळा राहतो, हे बघा पूर्ण लाईनला बघा, त्याला तुमच्या लक्षात येईल, ठीक, ओके।